उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मंच पर लाकर इतना बड़ा सम्मान किया। क्योंकि हम लोग तो फिल्मी आदमी है, कभी मंच पर चढ़ते नहीं, कभी बोलते नहीं, बोला तो हम लोगों ने ज्यादा नहीं है। पर हाँ, थोड़ा बहुत जो बोलना आता है माफी चाहूंगा कि गलती हो। हम लोग फिल्म से जुड़े हैं, मैंने फिल्म 99 में बनाई थी ग्वारी होते नहीं, उसके बाद 2019 में बनाई मेला निराला, और अभी मेरी फिल्म में एक यू कनु किस्ता जो उत्तराखंड में तो होगी, रिलीज हो गई है और 3 अवार्ड, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुकी है, एक हरियाणा फिल्म अवार्ड में, एक अरावली फिल्म, और अभी 20 तारीख को काशी इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। ये फिल्म अगले महीने तक, नेक्स्ट मंथ तक दिल्ली में दिखाई जाएगी, और मैं सब आप सब लोगों से ये निवेदन करूँगा कि प्लीज़ आइए और फिल्म जब देखिए भारी मात्रा में देखिए, अपने आसपास जितने भी लोगों को उसे दिखाइए। फिल्म बहुत अच्छी है, सोशल एलिमेंट है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की कहानी है, और उस फिल्म के जो मुख्य पात्र हैं परमेंद्र रावत जी जो यहाँ मेरे सामने खड़े हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया बहुत अच्छा अभिनय मिला किया है, और इन्हें अभी पीछे काशी इंटरनेशनल फेस्टिवल में अवार्ड से भी नवाजा गया बेस्ट एक्टर। तो बाकी तो क्या कहना चाहूँगा, बस ये कहूँगा कि आप अपना प्यार बनाए रखें, फिल्म जरूर देखेगा, जो भी फिल्म आती है, चाहे वो 2 तारीख को फिल्म आने वाली है या धारी देवी, उसे जरूर देखेगा, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मतलब सालों की मेहनत होती है हमारी फिल्म को बनाने के लिए। कृपया देखिए, अप्रिशिएट कीजिए, पहले जरूर देखिए, अप्रिशिएट करें ना करें पर फिल्म जरूर देखिए, और उसके बाद हमारी फिल्म तो आएगी तो आपको मोटिवेशन दे दिया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आज इस मंच से हमारे बीच से एक बहुत सीनियर कलाकार जिनका मैंने फेसबुक पर डाला था, कुंवर बावला जी, उनका नाम था कुंवर सिंह रावत, लेकिन वो कुंवर बावला लगाते थे, जिनका गाना आपने देखा होगा बण न सुरे सुर न सोनी, कुंवर बावला जी। तो आज मैं उनको याद करना चाहता हूँ, इस मन से कर रहा हूँ, क्योंकि पहली फिल्म उनके साथ ही मैंने सन 89 में संगम की थी, और उनके म्यूजिक डायरेक्शन में मैंने गाने गाए थे, 2 गाने गाए थे, और उनकी जो अगली फिल्म आई थी वो आई थी रैबार, जिसमें बनना सूर्य सूर्य मसूदी। तो हमारे साथ प्रभो डोभाल जी जो अभी यहाँ थे, सुख दुख के हीरो, आप यूट्यूब पे जरूर देखिएगा, थोड़ा सा सुख दुख की वो स्मार्ट अभी भी हैं, लेकिन उस जमाने में कितने खूबसूरत थे वो। तो बावला जी को याद करते उनका एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं हर मंच पे लगभग लगभग गाता हूँ, वो मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। म्यारो गढ़वाल दिदो के नीच बाहर भयो के नीच बाहर रोतेली डांडी छिन उचनी सा पहाड़े Thank you.
Thank you.
गीतों की बेटी भारी सजे तूने कंठी पर सजी भारी सजे तूने कंठी पर सजी भारी साहित्यकार अपनी रचना को देंगे और हाइलर्स ये चाहता है कि थिएटर के साथ साथ हम लोग साहित्य के लिए भी काम करें और हाइलर्स विगत 43 साल से ये सेवा करता रहा है। तो 11 जून को गढ़वाल भवन में एक बृहद कवि सम्मेलन हो रहा है, तो मैं गुजारिश करूंगा सभी लोग हाइलर्स को सहयोग करते हुए और दर्शकों की तरफ से अपना भागीदारी निभाएंगे और मैं सभी लोगों को वहां आने के कहता हूं। 11 जून इतवार को है, रविवार और गढ़वाल भवन में एक बृहद कवि सम्मेलन दिखाई उसके उसके धन्यवाद। प्रेस सचिव श्री उमेश बनोले जी अपनी एक कविता पाठ सुनाने आ रहे हैं, प्रथम रश्मि जो सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है।
सर्टिफिकेट प्रदान कर दी। श्री सुमित्रानंद पंत जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और तत्पश्चात उत्तराखंड साहित्य रत्न से सम्मानित हमारे अध्यक्ष श्री दिनेश ध्यानी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर मैं, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस मंच के माध्यम से इतने महान कवि की रचना को पढ़ने का अवसर मिला है। ये मेरे लिए निश्चित रूप से एक गर्व की बात है और एक मेरे सौभाग्य की बात है। मैं उनकी एक प्रतिनिधि कविता प्रथम रश्मि का पाठ करने जा रहा हूँ। प्रथम रश्मि पंत जी ने सन 1919 में लिखी थी और उनका एक कई काव्य संग्रह है, उनमें से एक काव्य संग्रह वीणा, उस वीणा में ये संग्रहित है। और इस कविता में उन्होंने जो है प्रथम किरण, जो रश्मि जो होती है प्रथम किरण जो होती है उसके माध्यम से प्रकृति में जो बदलाव होते हैं, एकदम जो है हम रात्रि से जो सुबह हो जाती है वो एक चिड़िया के माध्यम से, एक पक्षी के माध्यम से उन्होंने इसको समझाने का प्रयास किया है। वो शक्ति को बाघ बिहंगे भी बोलते हैं और उसको कहते हैं कि तू तो सो रही थी जब सूरज की पहली किरण पड़ी, तुझे कैसे पता चला कि पहला काल हो गया है। तो पूरा आप लोग सभी लोग विद्वान है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना, प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल बहनी पाया तूने बगाना, सोई थी तू स्वप्नीर में, सोई थी तू स्वप्नीर में पंखों के सुख में चित्कर, सोई थी तू स्वप्नीर में पंखों के सुख में चित्कर, ऊंग रहे थे धूल डोर पर प्रहरी से जुगनू नाना, शशि किरणों से उतर उतर कर, शशि किरणों से उतर उतर कर धू पर काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृद सुख सिखा रहे थे मुस्काना, स्नेहहीन तारों के दीपक, स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास सुनते तर के पास विचर रहे थे स्वप्न अवन में, तमने का मंडप ताना, कुक उठी सहसा तरवासनी, कुक उठी सहसा तरवासनी स्वागत का गाना, किसने तुझको है अंतर्यामिनी, किसने तुझको है अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना, प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना, प्रथम रश्मि का आना रंगणी कैसे तूने पहचाना। धन्यवाद।